पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्य केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागे व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महर्षि पतंजलि के प्रणीत योग दर्शन के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। पांच वृत्ति है, वृत्ति के ऊपर विचार है। सूत्र बोलिए, अथ योगानुशासनम् योगाश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः सरूपे वस्तानम् वृत्तिसारूप्य मित्रत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणाभिपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रमाणानि। क्या है विपर्यो? बोलिए, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठा वस्तुशून्यो विकल्प अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। यहाँ तक हो गया, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति है। वृत्तय का अधिकार है, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाया क्लिष्टा क्लिष्टा, वहाँ से वृत्तय की अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, तो वृत्तय में क्या विभक्ति है? प्रथम विभक्ति का बहुवचन, स्मृति में प्रथम विभक्ति का एक वचन। तो जो अनुकर्षण किया गया बहुवचनांत उसको एक वचन में करो तो क्या हो जाएगा? स्मृति ही ऐसा हो जाएगा। हो गया, अनुभूत विषया संप्रमोशः वृत्ति ही स्मृति ही, ऐसा अर्थ हो जाएगा। जो प्रमाण आदि से अनुभूत हुआ है ऐसा जो विषय है, ठीक है, ऐसे विषय का संप्रमोशन ना होना है। जितने विषय का अनुभव हुआ था उतने विषय को ही स्मरण करेगा, वृत्ति विषय करेगी, कम हो तो चलेगा ज़्यादा नहीं। ठीक है, जितने विषय का अनुभव हुआ था उतने विषय का ही स्मरण होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। कम का तो हो सकता है, बराबर का तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, आज जो स्मृति है, स्मृति दो प्रकार के बता दिया भगवान भाष्यकार ने। कौन सा नंबर चल रहा है सूत्र? कौन सा नंबर है? ग्यारहवां सूत्र। अब वृत्ति कौन सी है? पाँचवीं वृत्ति है। ठीक है, छोटी वृत्ति क्या आएगी? नहीं है ना? हाँ नहीं है, क्योंकि पंचतय बोल दिया ना, निद्रा है, निद्रा तक हो गया। पाँचवीं तो ये, और कोई है क्या आगे? नहीं ना। तो देखो, साच द्वई भाष्य ही था भाई, स्मृति दो प्रकार की है।
ठीक है। एक कह दिया भावित स्मर्तव्य, एक हो गया अभावित स्मर्तव्य। जिस स्मृति का विषय, स्मर्तव्य का अर्थ विषय, स्मृति का विषय कैसा हो, भावित हो मतलब कल्पित हो, यथार्थ ना हो, ठीक है। हाँ ऐसा स्मरण भी होता है। और कुछ स्मरण का विषय अभावित होता है, यथार्थ होता है। सर्प को सर्प के रूप से देखा था, अब उसका स्मरण हो रहा है, समझ में आया। अच्छा सपने में जो है, सपने में जो है स्मृति होती है कि नहीं, सपने में स्मृति होती है, हैं? स्मरण में जो ज्ञान हो रहा है कि नहीं, वो स्मृति है क्या? नहीं है, वो नहीं है। संस्कार से भले होता है, संस्कार से होने मात्र से उसको स्मृति नहीं कही जाएगी, हो गया। हाँ तो फिर सपनों में, सपनों को कैसे स्मृति बोल दिया, देखो यहाँ पर लिख दिया ना, सपने भावित स्मर्तव्य। इसके पर विद्वान लोग विचार करते हैं, भी ये स्मृति का आभास है, वास्तविक स्मृति नहीं है, समझ में आया ना। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना तर्क संग्रह, हेत्वाभास क्या है, हेतु नहीं है, हेतु की तरह दिखता हो, इसको क्या बोलते हैं, हेत्वाभास, हेतुवत आभास अतीति हेत्वाभास, हो गया। प्रमाण की तरह दिखता हो लेकिन प्रमाण है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, प्रमाण नहीं, प्रमाणाभास, को क्या कि नहीं। इसी प्रकार से स्मृति नहीं है लेकिन स्मृति की तरह भास रही है, उसको बोलेंगे स्मृत्याभास। सपने में जो ज्ञान होता है वो स्मृति वास्तविक नहीं है, संस्कार से होता है, पूर्व संस्कार से, इसलिए उसको स्मृति बोल दिया गया, ऐसा विद्वान लोग विचार करते हैं, ठीक है। अच्छा अब कहते हैं देखो, पांच प्रकार की वृत्ति है, पांच प्रकार की वृत्ति क्या क्या है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। स्मृति पांच हो गए ना, सबको याद है कि नहीं, यहाँ तो सबको तो प्राय करके याद हो गया होगा, ठीक है। पांच वृत्ति है योग सूत्र में। ना चार है ना छः है, पांच ही है, इसलिए वहाँ पर पंचवृत्ति बोल दिया। तो बोलते हैं कि पांच प्रकार की जो वृत्ति है, इस स्मृति को अंत में क्यों रखा, बीच में रखते, आदि में रखते, अंत में रखने का क्या अभिप्राय है। देखो इसका उत्तर है, सर्वस्मृतय, भाष्य ले रहे हैं, भाष्य जिसके पास नहीं है तो वो लोग रखो साथ में, भाष्य रखना चाहिए, बाकी टीका वगैरह हो या ना हो, भाष्य तो सामने होना चाहिए, है ना। सर्वस्मृतय, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति नाम अनुभवात भवन्ति। है देखो प्रमाण होता है, प्रमाण होता है, कितना प्रमाण है, तीन, प्रत्यक्ष, अनुमान और क्या है, आगम, दूसरा नाम, हाँ तो है, शब्द है कि शब्द, शब्द और शब्द में क्या अंतर है, शब्द कहते हैं प्रमाण को और शब्द कहते हैं प्रमाण को, शब्दा जायते इति शब्द, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये तीन प्रमाण है, उसके बाद विपर्य रूपी ज्ञान होता है, विपर्य ब्रह्म ज्ञान, विपर्य हो गया ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। विपर्य कितने प्रकार का है, विपर्य कहने से कितने को लेंगे, विपर्य में दोनों का समावेश होता है, क्या क्या, विपरीत ज्ञान और हाँ संशय है, बीच बीच में इसलिए पूछता हूँ ना कि आप लोगों को आवृत्ति हो जाए, नहीं तो भूल जाते ना आप लोग, ठीक है। विपर्य होता है, फिर उसके बाद विकार, विपकार, विकल्प कह दिया, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु संयो
विकल्प। उसके बाद निद्रा बोल दिया, निद्रा क्या निद्रा है, निद्रा का क्या लक्षण है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, ये निद्रा है। उसके बाद कह दिया स्मृति, क्या कह दिया, स्मृति, स्मृति नाम अनुभवात, इसके अनुभव से संस्कार हो जाता है, और संस्कार से फिर आगे स्मरण हो जाता है। सुन रहे भैया, अनुभव का अर्थ यहाँ पर लिखते हैं प्राप्ति, देखो अनुभवात, अनुभव का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्राप्ति। प्रमाण की प्राप्ति होने पर, विपर्य की प्राप्ति होने पर, विकल्प के, निद्रा की और स्मृति के, प्राप्ति का अर्थ यहाँ पर लेना अनुव्यवसाय, अनुव्यवसाय क्या लेना है, अनुव्यवसाय, जानते हो अनुव्यवसाय, तर्क संग्रह में आया ना, अयम घट, उसके बाद जो होता है घटम अहम जाना में, घट ज्ञान को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है उसको बोलते अनुव्यवसाय ज्ञान। यहाँ पर अनुभव से क्या लेना है, अनुव्यवसाय मतलब प्रमाण का अनुभव, मतलब प्रमाण का व्यवसाय, बुद्धि में बैठाओ, जैसे आपने, आपको घट का ज्ञान हुआ था, कल आपको घट का ज्ञान हुआ था, अभी आपको स्मरण हो रहा है कि नहीं, घट ज्ञान मुझे हुआ था, ये स्मरण है, बात समझ में, ठीक है। कोई भी शास्त्र हो कि शास्त्रकार कहना क्या चाहते हैं उसको विचार करके बुद्धि में बैठाना चाहिए, ये स्वाध्याय का प्रयोजन होता है, नहीं तो शब्दों को रट लिया तो क्या होगा उससे। शास्त्रकार ग्रंथकार कहना क्या चाहते हैं, उनका क्या अभिप्राय है, इसलिए परंपरा से अध्ययन करना होता है, क्या परंपरा से अध्ययन करना होता है। इसलिए यहाँ पर अनुभव, ये क्या बोल दिया, अनुभव का अर्थ क्या है, यहाँ पर प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ अनुव्यवसाय ज्ञान, प्रमाण से जो ज्ञान हुआ था उस ज्ञान का भी अब स्मरण हो रहा है कि कल मुझे घट का ज्ञान हुआ था, यथार्थ ज्ञान था, वास्तविक ज्ञान मुझे हुआ था, अभी स्मरण हो रहा है कि नहीं, कल घट का ज्ञान आपको हुआ था उसे संस्कार था, और संस्कार से अभी क्या हो रहा है, स्मरण हो रहा है कि घट का ज्ञान मुझे वास्तविक हुआ था, यही बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो भवन्ति, भवन्ति का कर्ता क्या, सर्वाः स्मृतयः भवन्ति, देखो पंक्ति में सभी स्मृतियाँ इस प्रकार की हो जाती है, किससे, अनुभवात, अनुभव से, मतलब अनुभवसाय ज्ञान से, किसका अनुभवसाय ज्ञान से, पहला कह दिया प्रमाण, प्रमाण से क्या होता है, यथार्थ ज्ञान होता है कि नहीं, तो उसे संस्कार हुआ, फिर अपस्मरण हो रहा है कि यथार्थ ज्ञान मुझे हुआ था, है कि नहीं। उसी प्रकार विपर्य ज्ञान का भी हो जाता है, विपर्य ज्ञान का भी हो जाता है, कैसे, पहले आपको भ्रम ज्ञान हुआ था, रज्जु में सर्प का ज्ञान कल हुआ था आपको, वो कौन सा ज्ञान था, हाँ विपर्य, भ्रम ज्ञान, विपर्य ज्ञान अथवा संशय भी हो, उसका संस्कार हो गया, अभी आपको स्मरण हो रहा है कि मुझे विपर्य ज्ञान कल हुआ था, वो भाई वो रस्सी थी, सर्प नहीं था, समझ में ना, ऐसा वो ज्ञान का विषय अनुव्यवसाय जो ज्ञान हुआ है ना, अनुव्यवसाय विषय का है, विषय कौन है, घट भी और घट का ज्ञान भी, सर्प ले लो, सर्प ले लो, ठीक है। हाँ तो जो अनुभव से जो ज्ञान हो रहा है वेदांत के अनुसार साक्षी है, वेदांत के अनुसार क्या कहेंगे इसको, साक्षी कहा जाएगा, और नहीं आएंगे लोग अनुभव साय कहते हैं, ये अनुभवसाय है, ये स्वयं प्रकाश है, हाँ ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था उसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। उसका जो विषय है, जो सर्प था कि नहीं था, वो तो हो सकता है, लेकिन सर्प का भ्रम ज्ञान में हुआ था कि नहीं हुआ था उसमें कोई संशय नहीं हुआ था, समझ में बात। तो ये कह रहे हैं संस्कार हो गया, संस्कार चित्त में रहेगा, और अभी उद्बोधक सामग्री होने से, कोई सर्प लिखा हो, कोई सर्प बोल दिया हो, सर्प का चित्र हो, तब झट से हो जाए, अरे कल मुझे सर्प का भ्रम मुझे हुआ था, ये स्मरण हो रहा है अभी, ठीक है। इस बेकार विकल्प कह दिया, विकल्प क्या है, शब्द ज्ञान पाती वस्तु संयो विकल्प, इसका भी हो जाएगा, उदाहरण क्या,
हाँ पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुषस्य, अरे वे पुरुष का चैतन्य, तो ये वृत्ति हुई ना, कौन सी वृत्ति कहेंगे इसको, है हाँ विकल्प वृत्ति कहेंगे। पुरुष और चैतन्य में धर्म कौन, धर्म कौन, ना कोई धर्म है ना कोई धर्म है, लेकिन चित्त में उसी प्रकार वृत्ति हो जाती है। चित्त वृत्ति का विषय क्या होगा, धर्म धर्म भाव, विशेषणा विशेष भाव, है कि नहीं, ऐसा कल हमने पढ़ा था, है कि नहीं, कहाँ पढ़ा था, इसी में पढ़े थे जब सूत्र में पढ़े थे, अब आप स्मरण हो रहा है आज, है ना। पहले कहा था ना कि जो विषय में ये पुरुष और चैतन्य में क्या होता है, विशेषणा विशेष भाव होता हो, कल्पना होती है, कल्पना होती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, पहले पढ़ा था 3-4 दिन पहले, अभी आपको स्मरण हो रहा है, ऐसा होता है। इसी प्रकार निद्रा, कि निद्रा मुझे कल हुई थी, निद्रा आपको हुई थी कि नहीं, रात में हुई थी ना, ये तो सबको पता ही है निद्रा सबको हुई थी, कितने प्रकार की निद्रा है, कितने प्रकार की निद्रा हुई है बता सकते हैं, स्मरण करो, हैं निद्रा कितने प्रकार के बताए थे, 3 प्रकार के हैं, एक सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान, है कि प्रधान तो है तमोगुण ही है, लेकिन सचिव सत्वगुण, जहाँ पर सत्वगुण सचिव, सचिव सत्वगुण तमोगुण, जिस तमोगुण का सचिव सत्वगुण हो तो सुख मिलेगा, आज जिस तमोगुण का सचिव मतलब रजोगुण हो दुख होगा, मन खोया खोया हुआ रहेगा, है ना थोड़ा सा मच्छर काट लेगा तो नींद खुल जाएगी, और घोर नींद हो जाए तो जन्माष्टमी के बाद, अरे कितना भी काटे और क्या, ऐसा होता है कि नहीं। और दोनों गुण को दबा करके तमोगुण, घोर निद्रा, गाढ़ निद्रा, घोर निद्रा हो गई, ठीक है, ये सब बता दिया तो उससे भी स्मरण हो जाता है, और स्मृति से भी स्मृति होती है, कल मुझे स्मरण हुआ था, अभी आपको स्मरण हो रहा है, तो स्मृति से भी स्मृति हुई कि नहीं, स्मृति विषयक भी स्मृति हो जाती है, स्मृतिजन्य संस्कार, स्मृतिजन्य संस्कार, और संस्कार से फिर स्मृति हो जाएगी, ऐसा भी होता है, ठीक है, हाँ ऐसा लगा लो, संस्कार होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, केवल अनुभव से हुआ वो ऐसी बात नहीं है, अनुभव से ही संस्कार होता है ऐसी बात नहीं, देखो सब कह दिया, प्रमाण से भी होगा, विपर्यय से भी हो सकता है, विकल्प से भी, निद्रा से भी, स्मृति से भी हो सकता है, ये भगवान व्यास जी का कहना है, ठीक है। और नहीं आगे लोग क्या बोलते हैं, अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना, अनुभव से संस्कार होगा आगे फिर स्मृति होगी, कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, चाहे अनुभव हो, चाहे विपर्य हो, चाहे विकल्प हो, चाहे निद्रा हो, चाहे स्मृति हो, चलो हो गया हाँ अनुभव से यहाँ पर क्या लिया भाष्यकार ने, अनुभव व्यवसाय को ले लिया, अनुभव व्यवसाय, अच्छा अब आगे कहते हैं सर्वाश्चेतावृत्तयः सुख दुख महात्मिकाः, सुख दुख महाश्च क्लेशेषु व्याख्यया, सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी देशः, मोह पुनर अविद्या, एता सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्याः। इसके ऊपर विचार है, देखो ये जो वृत्तियाँ बताई, कितने प्रकार की वृत्तियाँ बताई, 5, भाई इनमें से कौन सी वृत्ति का निरोध करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को, हैं हम लोग तो बुद्धिमान है, मूर्खत्व ही नहीं, कोई शंका कर रहा है,
भाई इनमें से जो निरोध करने योग्य, जो क्लेश देने वाला हो, देने वाली हो, ऐसी वृत्ति को क्या करना चाहिए? निरोध करना चाहिए। और जो क्लेश नहीं दे रही है कि नहीं, उसको निरोध नहीं करना चाहिए, है ना? तो बुद्धिमान को ये विचार करना चाहिए। बोलते हैं देखो, चाहे कोई भी वृत्ति हो, है तो प्रतिबंध है मोक्ष के लिए, है तो प्रतिबंध, ये बोल रहे हैं देखो, है ना? सर्वाश्चेता वृत्तय, पहले तो शास्त्र जो वृत्ति है, सात्विक वृत्ति है, धर्म है ना, वो तो अविद्या के निवृत्ति का है, लेकिन उसको भी बाद में छोड़ना पड़ता है। ये कह रहे देखो, सर्वाश्चेता वृत्तय, जितने भी वृत्तियां हैं, वृत्ति तो चित्त में होगी, और चित्त त्रिगुणात्मक है, इसलिए वृत्ति भी क्या हो जाएगी? तीन गुण वाली त्रिगुणात्मिका हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं सुख दुख महात्मिका, सुख दुख महात्मिका होते हैं वृत्ति। इसका भी आगे व्याख्यान करेंगे। सुख दुख महाश्च क्लेशेषु व्याख्याया, जो क्लेश का आएगा, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब आगे आएगा, वहाँ पर अब ये सूत्र सब आएगा, सुख का लक्षण, राग का, हैं, ये सब आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो ये सूत्र देखो, सुखान्वय राग, राग होता है राग, राग आसक्ति, राग मतलब आसक्ति, लगाव, चित्त का लगाव हो जाता है, ठीक है? चित्त का लगाव होगा तो फिर इंद्रिय का लगाव, इंद्रिय का लगाव हुआ तो व्यक्ति का लगाव जीव का हो जाएगा। तो फिर विषय में राग क्यों होता है भैया? देखो लिख दिया, सुखान्वय राग, है कि नहीं? मतलब राग सुख के पीछे पीछे चलता है, सुखम है ना, अनुसेते यदि सुखान्वय, सुखों के जो पीछे पीछे चले, सुखों के बिना विषय में राग नहीं होगा, और विषय के साधन में राग नहीं होगा, हैं? इसलिए राग कहाँ कब होता है? सुख, जिस विषय से आपको सुख प्राप्त हो जाए ना, भले ही भ्रांति से हो, भले ही भ्रांति से सुख मिलता हो, सुख तो भ्रांति से ही होता है विषय में, है कि नहीं? तो किसी भी दृष्टि से ले लो, सुख जिस विषय में होता है, जिस विषय के साधन में होता है, उसी के प्रति क्या हो जाता है? राग हो जाता है। भाई बहुत अच्छा है, है ना? ये चाय भी बहुत अच्छी है, चाय बनाने वाला भी बहुत अच्छा है, दोनों में होता है कि नहीं? चाय भी बहुत अच्छी और चाय बनाने वाला भी बहुत अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना? और कोई को बोलते हैं जो है बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हाँ, और बोलने वाला भी बहुत अच्छे है, नहीं? भागवत की कथा होती है कि नहीं? हाँ, बहुत सुंदर भजन बोल रहे हैं, और जो बोलने वाले हैं वो भी बहुत सुंदर है, हाँ, और दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है कि वो अच्छा नहीं, क्या वही तो भोजन है कि दूसरा कोई भोजन है? हाँ, वही भोजन का दूसरा व्यक्ति बोलेगा ये क्या बोलते हैं, हाँ, बोलना ही नहीं आता, बंद करो, वही भगवान का भोजन। रस कहाँ पर मिल रहा है? शब्द में रस मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? हाँ, शब्द है ना, वो भगवान में वो सुख नहीं मिल रहा है, वो शब्द में। देखो, सुखान वैसे राग, और जिस विषय से दुख हो जाए, हाँ, उसमें क्या होता है फिर? द्वेष हो जाए, और जो देने वाला दुख है उसमें भी द्वेष हो जाएगा, दोनों में हो जाए, हाँ। ले दुखानुसयी द्वेष, दुखम अनुसेते इति दुखानुसयी, दुखम अनुसय मतलब क्या? दुखों के पीछे जो होवे, द्वेष जो होता है दुख के पीछे होता है, मतलब जहाँ पर दुख नहीं होता है उसके प्रति द्वेष नहीं होता है, हो गया? ऐसा होता है। मोह मतलब क्या है भाई? हाँ, मोह मतलब अविद्या, बस सुख दुख मोह कह दिया ना, मोह को बोलते हैं अविद्या, मोह का नाम अविद्या है। विद्या विरोधी, अविद्या मतलब विद्या विरोधी। एता सर्वा वृत्तय, जितने भी वृत्तियां हैं, पांच प्रकार के वृत्तियां हैं,
ये सब जो क्या है निरोधव्या, इसका निरोध करना चाहिए। हाँ निरोध करना चाहिए। निरोध क्यों करना चाहिए? निरोध करने का क्या अभिप्राय है देखो लिखते हैं। निरोध करने का ये अभिप्राय है आसाम निरोधे, इनका निरोध हो जाने पर समाधि होती है ना। हाँ चित्त वृत्ति का निरोध ना हो तो समाधि नहीं होगी। योग चित्त वृत्ति निरोध है तो का। हाँ पहले जो होती है संप्रज्ञात समाधि होती है। देखो आसाम निरोधे संप्रज्ञात व समाधिर भवती और असंप्रज्ञात व भवती। राजस वृत्ति और तामस वृत्ति की निवृत्ति हो जाए तो संप्रज्ञात समाधि हो जाएगी। समझ में बात को। और ये सात्विक वृत्ति जो विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति सत्य गुण प्रधान है, उसकी भी जब निवृत्ति हो जाएगी तो असंप्रज्ञा समाधि निर्विश समाधि हो जाती है। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, फिर चित्त अपने कारण में फिर लीन हो जाएगा। ये प्रक्रिया है। समझ में बात। राजस वृत्ति तामस वृत्ति जब निरुद्ध हो जाएगी तो सात्विक वृत्ति होगी। सात्विक वृत्ति से क्या होगा? विवेक होगा। मैं तो पुरुष हूँ, ये शरीर से, शरीर बुद्धि इंद्रियों के धर्मों से मैं अलग हूँ, असंग हूँ, मेरा स्वरूप आनंद है, ऐसी वृत्ति होगी। इसको बोलते हैं विवेक ख्याति। ख्याति मतलब ज्ञान। हाँ हाँ ख्याति मतलब ज्ञान। विवेक रूपी विवेक मतलब भेद, विवेक का अर्थ भेद। मैं अलग हूँ प्रकृति, प्रकृति का धर्म अलग है, ये होता है। ठीक है विवेक ख्याति भी कहते हैं, अन्यथा हाँ अन्यता ख्याति भी कहते हैं। अन्यता अन्यथा नहीं बोलना, अन्यता। एक शब्द में बहुत अनर्थ हो जाता है कि नहीं? आसाम निरोधे संप्रज्ञात व समाधि होती, असंप्रज्ञात व, और सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर असंप्रज्ञा समाधि हो जाती है। ठीक है अच्छा आगे देखो। आप कहते हैं भाई ये जो कह दिया कि आसाम निरोधे, आसाम मतलब कासाम वृत्ति नाम, वृत्तियों का निरोध होने पर समाधि होती है। आप कहते हैं निरोध का उपाय कैसे होता है ये तो जानना चाहिए। उपाय का ज्ञान नहीं होगा तो उपाय कैसे करोगे? उपाय का तो ज्ञान होना चाहिए ना। हाँ उपाय न निगृहण्यात् विक्षिप्तम काम हो गयो, गौड़पाद भगवान ने कहा उपाय से ही चित्त वृत्ति का निरोध किया जाएगा, नहीं तो मन को कैसे निरोध करोगे? है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं उपाय। अथ अथ मतलब इसके अनंतर। अब देखो वृत्ति का विचार हो गया, सब पांच वृत्तियों का विचार हो गया, और ये भी बता दिया वृत्ति का निरोध होने पर समाधि होती है, इसलिए है ना, तो चित्त वृत्ति का निरोध होने पर ही समाधि होगी, ये बता दिया। अब चित्त वृत्ति का निरोध कैसे किया जाएगा ये बता रहा है अभी। अब साधन, अब जो आएगा साधन का विषय है। आसाम निरोधे, आसाम का तो वृत्ति नाम, निरोधे निरोध करने में, निरोधे का अर्थ निरोध करने में कह उपाय। उपाय कौन सा है भाई? अनादिकाल से हम लगे हैं लेकिन उपाय का ज्ञान हमको नहीं हो रहा है, ये उपाय बताए। तो भगवान पतंजलि उपाय बता रहे हैं। देखो ये बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, बहुत प्रसिद्ध है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, सूत्र में दो पद है। अभ्यासश्च वैराग्यम च, अभ्यास वैराग्ये है ना,
ताभ्याम अभ्यास वैराग्य से, है ना। देखो तृतीय का द्विवचन करो अथवा पंचमी का द्विवचन भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तृतीय का द्विवचन करो अथवा पंचमी का द्विवचन भी हो जाएगा, ठीक है। अभ्यास रूपी साधन और वैराग्य रूपी साधन, ठीक है। दो प्रकार का साधन बताए जाएंगे। हाँ, यहाँ पर जो विकल्प नहीं, कोई कोई विकल्प करना चाहिए, चाहे अभ्यास करो चाहे वैराग्य करो, वैकल्पिक उपाय नहीं। यहाँ पर समुचित उपाय क्या है, यहाँ पर समझो। कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई चाहे ज्ञान में जाओ चाहे भक्ति में जाओ मुक्ति तो हो जाएगी, ऐसे लोग बोलने वाले हैं कि नहीं, चाहे इस मार्ग जैसा उस मार्ग से जाओ, पहुँचना है तो मोक्ष में, ऐसा लोग बोलने वाले कि नहीं। चाहे कर्म मार्ग में जाओ चाहे जो है भक्ति मार्ग में जाओ चाहे ज्ञान मार्ग में जाओ, पहुँचना है तो मुक्ति में, है ना। तो ऐसी यहाँ पर झुकते नहीं कि अभ्यास का उपाय कर लो नहीं तो वैराग्य का उपाय कर लो, बोलता ऐसा नहीं। इसको बोलते हैं वैकल्पिक उपाय, वैकल्पिक उपाय नहीं यहाँ पर, समुचित उपाय। अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए, ठीक है। तो इस दोनों साधन के द्वारा हैं तन निरोधः भवति, भवति का अध्ययन कर लो, भवति होता है, क्या होता है, तन निरोध, उसका निरोध होता है। तत् से क्या लेंगे, चित्त वृत्ति, तत् से लीजिए, हाँ बोले तासाम, तत्का तासाम निरोध तन निरोधा, है कि नहीं, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। अच्छा देखो भाई, भाष्य में बड़ा सुंदर लिख रहे हैं भाष्यकर भगवान, बहुत सुंदर। ये जो चित्त एक नदी है, नदी सूखी नदी नहीं, हाँ प्रवाहित होने वाली नदी है कि वहाँ पर सूखी नदी, हरिद्वार में भी है वहाँ पर सूखी नदी, कभी कभी जल आ जाता है बारिश में, बाकी समय तो सूखी रहती है। ऋषिकेश में सूखी नदी है, है हाँ। ये बोलते चित्त, यहाँ चिरस्रोता नदी है, ये चित्त क्या है, चिरस्रोता नदी है, चित्त नदी, पर नदी की तरह नदी है एक चित्त, चित्त नदी का अर्थ क्या है, चित्त नदी की तरह नदी है, इसका नाम हो गया चित्त नदी, हो गया ना। चित्त नदी नाम हो भाई, इसकी दो धारा है, दो धारा बह रही है, उभया तो वाहिनी बहुत ही कल्याणाय बहुत ही पापाय, दो धारा है नदी की, चित्त नदी की दो धारा है। एक तो धारा जो है कल्याण की ओर बह रही है और एक धारा जो है पाप की ओर बहती है, दो प्रकार की धारा है ना। अशास्त्र मार्ग से जाएगा तो चित्त किधर ले जाएगा, पाप क्यों ले जाएगा, संसार क्यों ले जाएगा, और शास्त्रीय मार्ग की ओर जाएगा, हाँ शास्त्रीय कहने से क्या, हाँ संसार से विरक्त होकर के मुमुक्ष बन करके यदि चित्त क्या, चित्त में यदि वृत्तियाँ होवे तो वो किधर ले जाएगी, कल्याण की ओर ले जाएगी, ऐसा बता दिए। कल्याण, कल्याण का अर्थ यहाँ पर क्या है, मोक्ष, नहीं तो कल्याण मतलब तेरा कल्याण हो जाए, बोलते कि नहीं। किसी को गाली देना है तेरा कल्याण हो जाए, महापुरुष बोले तेरा कल्याण हो जाए मतलब मुक्ति, हाँ कल्याण क्या है, हाँ। चलो ठीक है, मोक्ष का अंबर कल्याण का अर्थ मोक्ष, मोक्ष क्यों ले जाता है, देखो आगे लिखते हैं इसी बात को। या तो कैवल्य प्रागभारा,
जो कैवल्य की ओर जो झुकाव जिसका है, जिसका जो झुकाव है, प्रागभार का अर्थ लिखते हैं पर प्रबंध, प्रभा, प्रवाह है, प्रवाह है, जिसका प्रवाह किधर है, कैवल्य की ओर। जैसे गंगा जी के किधर, गंगा इधर है ना, गंगा समुद्र की ओर, मतलब कौन सी दिशा है, पूरब, पश्चिम गई है, पूरब गई है ना, उत्तर से पूरब गई है। गंगा जी कहाँ से कहाँ, कहाँ से निकली, उत्तर से निकली, गई कहाँ, दक्षिण है। अरे भाई गंगा सागर कहाँ है, हाँ पूरब में रही कि नहीं, पूरब की ओर गई, आ गए। अरे भाई ऐसा नहीं कि उत्तर से निकलेगी दक्षिण में ही जाएगी, ऐसा थोड़ी है। पूरब की ओर, ठीक है, और निरंतर उधर उधर है, उधर। इसी प्रकार कह दिया, एक जो प्रवाह है कैवल्य प्रागभारा, हाँ ऐसा बता दिया। तो यहाँ पर लिखे हैं, जैसे नची नदी ऊपर देश से निकलती है हिमालय से और नीचे की ओर बहती है, वैसे नीचे की ओर, तल तल देश पर्यंत वाहिनी, नीचे की ओर बहती है। इसी प्रकार यह एक जो है सात्विक वृत्ति हो जाए तो कैवल्य की ओर झुका हो जाएगा उसका। देखो लिख दिया, विवेक विषय निम्ना, चित्त की नदी कैसी हो, विवेक विषय, उसका जो विषय है ना चित्त वृत्ति का, विवेक हो जाए, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो असंग हूँ, शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है संसार से, निम्ना बोल दिया। निम्न का अर्थ यहाँ पर लिखते हैं गंभीरता, चित्त में कौन सी गहराई होनी चाहिए, विवेक की गहराई होनी चाहिए। यहाँ तो गंगा जी में कम पानी है, वहाँ नीचे जाओ तो पूरा बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। ये नर्मदा देखो अमरकंटक में, तो वहाँ से निकलिए और नीचे जाओ गुजरात तरफ तो बहुत गहराई है गंगा नर्मदा में। इसी प्रकार कह रहे हैं यहाँ पर बहुत गहराई है, कि कौन से गहराई है, बोले विवेक का विषय, चित्तवृत्ति का विषय विवेक होता है, अत्यंत विवेक। ये तो ऐसी यदि हो जाए चित्त में है तो क्या हो जाए, कल्याण बहा, वो कल्याण की ओर बहती है चित्त नदी, हो गया। अच्छा और एक बोल दिया, दूसरी एक धारा है चित्त में, और एक धारा चल रही है संसार प्रागभारा है। देखो संसार की ओर एक झुकाव है उसका धारा, उसकी धारा किधर झुकाव है, बह रही है संसार की, वो संसार में है, संसार की ओर ले जाएगा। आजकल यही चल रहा है, राजस वृत्ति तामस वृत्ति हैं, अब जो है रजोगुण प्रधान चल रहा है सब अधिकतर, जिसको देखो कोई भी स्थिर नहीं है, बस कुछ ना कुछ, हाँ तमोगुण युक्त, हाँ तमोगुण सचिव, सचिव तमोगुण रजोगुण प्रधान। अब क्या चल रहा है अभी कलयुग में, तमोगुण सचिव है और प्रधान क्या है, रजोगुण। सत्वगुण तो बस थोड़ा सा है, जैसे आप लोग साधक है वैसे थोड़ा सा साधक है ना, नहीं तो सब रजोगुण प्रधान वाले बोलते नहीं, वैसे प्रस्थान्तरी पढ़ने से क्या होगा, हाँ प्रस्थान्तरी पढ़ कर क्या करोगे, पूछते ना, पढ़ करके क्या करोगे, तो क्या करोगे मतलब क्या, कुछ करना है तब तो पूछ रहे, तो करना है मतलब कौन सा गुण हुआ, अनुभव लो, लोग पूछते कि नहीं, प्रस्थान्तरी पढ़ने के बाद क्या करोगे मतलब कौन सा हुआ, रजोगुण हुआ कि नहीं, तो रजोगुण में सब लगे, कुछ करना है, स्थिर होकर नहीं रहना है पढ़ने के बाद, कुछ मुक्ति में नहीं लगना है, संसार में लगना है, ये लोग चाहते हैं, ठीक है। संसार प्राग, इसलिए उसमें बहना नहीं चाहिए, ये धारा जो चल रही है चलने दो, है ना, उसमें बहना नहीं चाहिए। संसार प्रागभारा कौन सी धारा है, संसार की ओर झुकाव, अविवेक विषय निम्ना, वो अविवेक हो रहा है, बस विवेक नहीं हो पा रहा है ना, उनके चित्त में विवेक नहीं हो पा रहा है, स्थूल शरीर को मैं मान रहा है, अरे मैं मोटा हूँ पतला हूँ ये हूँ, बस ये विवेक कहाँ हो रहा है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या प्रकृति है क्या पुरुष, क्या आत्मा क्या अनात्मा, ये विवेक नहीं हो पाता है ना, इसलिए बोलते अविवेक विषय निम्ना।
मतलब उसके चित्त रूपी नदी में अविवेक ही अविवेक है, बस अविवेक की गहराई, विवेक थोड़ा सा बस। व्यापार में तो विवेक है, कैसे व्यवहार करना है संसार में, है कि नहीं, ऐसा लेना। आजकल लोग उल्टा समझते हैं, हाँ बोलते हैं जिसको व्यवहार आता है बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, लौकिक व्यवहार, और लौकिक व्यवहार जिसको नहीं आता है तो ये तो ऐसा ही है। हिंदी में क्या बोलते, ऐसा ही है मतलब, हाँ कुछ काम का कुछ काम का नहीं है। अच्छा आगे देखो भैया, तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिलिक्रियते विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते इति उभयाधीना चित्तवृत्ति निरोधः। बड़ा सुंदर लिखते हैं, हाँ बोलते हैं कि एक हो गया अभ्यास, पहले बोल दिया वैराग्य, वैराग्येण वैराग्य होना चाहिए वैराग्य। जैसे यहाँ पर टीकाकार लिखते हैं असंशय महाबाहो मनोदोन निग्रह चलम अभ्यास है ना तो कौनते वैराग्यण च क्रियते। ये ना कहा चंचल भी मना, कृष्ण अर्जुन ने पूछा भाई है कि मन को कैसे हम संयम करें, ये तो वायु की तरह असंभव लग रहा है। तो भगवान ने क्या कहा, बात तो तुम्हारे ठीक है, मन को संयम करना है बड़ा कठिन, इस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से हम उसको क्या कर सकते हैं, निग्रह कर सकते हैं। भगवान व्यास कहते हैं देखो वैराग्येण, वैराग्य रूपी साधन से ये जो विषय श्रोता, ये विषय का जो प्रभाव चल रहा है, विषय का प्रभाव, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हाँ शरीर निर्वाह के लिए हो तब तो ठीक है, भोग के लिए ये हो गया विषय है ना। तो विषय का जो, विषय की जो धारा चल रही है, प्रवाह चल रहा है, स्रोत का तो प्रवाह ठीक है, वो क्या होता है वैराग्य से खिली क्रियाते, खिली क्रियाते मतलब क्या, वो अल्पिक क्रियाते, हाँ कहीं लिखते अल्प हो जाता, अल्पिक क्रिया निरोध, धीरे 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 वैराग्य से हाँ वो निरोध हो जाता है, चित्त विषय की ओर नहीं जाता है, चित्त में विषय की धारा नहीं चलती, धीरे 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 कम हो जाते हैं, विषय में दोष दर्शन हो जाता है, क्या होता है विषय में, हाँ ऐसा बोल दिया, चित्त उधर नहीं जाता है, ऐसा बता दिया। अच्छा आया खिली बोला अल्प, अल्पिक क्रिया थे है ना, चित्त में विषय की धारा धीरे 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 कम हो जाती है, भोग की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है, वही प्राय है ठीक है, हाँ इसलिए वैराग्य होना चाहिए। इसलिए भगवान व्यास ये भगवान शंकराचार्य वैराग्य बहुत जोर देते हैं। अब ये इसमें देखिएगा पंचदश अध्याय के भूमिका भाष्य में, संसारात अत्यंत विरक्तस्यैव भगवत तत्व ज्ञान है अधिकार, भगवान लिखते हैं ये तत्व ज्ञान में किसका अधिकार है, केवल विरक्त नहीं बोला, अत्यंत विरक्तस्यैव, अत्यंत विरक्त का ही ज्ञान में अधिकार होता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत वैराग्य से नहीं होगा, बहुत वैराग्य का अभ्यास चाहिए तब जागर होता है ठीक है ना। अच्छा उसके बाद दर्शना अभ्यास है ना, ज्ञान का अभ्यास भी करना है, हाँ ये तो सब सुख दुख महात्मा का संसार, इससे परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना, ये हो गया दर्शन का अभ्यास, बार 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 चिंतन करना है, उसे क्या होता है ज्ञान का अभ्यास से विवेक स्रोत उद्घाट्यते, विवेक की धारा वो खुल जाती है, विवेक की धारा खुल जाता है, हाँ धारा खुल जाएगी ठीक है, आवरण हट जाएगा, आवरण जब हट जाएगा तो विवेक की धारा खुलती जाएगी। इति इसलिए उभय अधीना चित्तवृत्ति निरोधा, देखो चित्तवृत्ति का निरोध करना है तो किसके अधीन है, उभय मतलब अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास है और वैराग्य दोनों चाहिए, दोनों करेंगे तब जाकर के चित्तवृत्तियों का
निरोध हो जाएगा। ठीक है, आप बताएंगे फिर अभ्यास कैसे करना है, फिर आगे फिर वैराग्य स्वरूप क्या है, वैराग्य कैसे होता है, सब आगे बतलाया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरा सूत्रहास्य भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मनः। शांति शांति।